हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सेंटर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेटिंग ए प्रेजेंटेशन। एंड टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, फर्स्टली वी हैव रिवीजन फॉर प्रीवियस वीडियो। पहले हम पिछली वीडियो का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमें पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्लाइड मास्टर क्या होता है और स्लाइड मास्टर से कैसे हम यूज कर सकते हैं इसे अपने प्रेजेंटेशन में। सेकेंड हमने पढ़ा था चेंजिंग कैसे कर सकते हैं हम कलर स्कीम को। ठीक है, हमने बैकग्राउंड चेंज करके भी देखा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ इजिली उसे पिक कर सकते हो और देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग क्या होती है, फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करेंगे, अलाइनमेंट का कैसे यूज करते हैं हम, क्या होती है ये, कितने टाइप्स के ये होते हैं, और हम कैसे ग्राफिक्स को इसमें प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं थ्रू क्लिप आर्ट, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट कर सकते हैं। तो ये सब हम आज सीखेंगे वन बाय वन, तो तैयार हो जाइए। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अप्लाइंग फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे हम अप्लाई इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इजी है स्टेप्स। स्टेप पहला क्या है कि होम टैब को आपको क्लिक करना है और उसमें आपको फॉन्ट ग्रुप मिलेगा। फिर आप फॉन्ट ग्रुप की मदद से कुछ भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो लाइक दिस। देखो आप कैसे करना है। यहाँ मैं इस फॉन्ट को चेंज करना है मुझे होम को। ठीक है, खाली होम को चेंज करना है तो ये कुछ डिफरेंट दिखना चाहिए। तो इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करूँगा, देखो दो तरीके आपके पास। एक तो यहाँ से आप माउस से जब आप इससे सेलेक्ट करोगे तो आपको मिनी टूल बार मिल जाएगा। ठीक है, अगर माउस से सेलेक्ट करोगे तब, अगर आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करोगे तब आपको ये मिनी टूल बार नहीं मिलेगा। तो यहाँ कुछ आपको फंक्शंस दे रखे हैं कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, इस पर्टिकुलर का जितना आपने सेलेक्ट करा है इसी का ही आप कलर चेंज कर सकते हो। इसका अलाइनमेंट कर सकते हो कि सेंटर पे देना है या एंड में देना है। ठीक है, आप इसको इटैलिक कर सकते हो। ठीक है, इटैलिक हो गया। ओके, आप इसको बोल्ड कर सकते हो, आप इसके साइज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, साइज ये चेंज कर सकते हो। यहाँ भी आपको दो दे रखे हैं बटन साइज के, ये जो इस कैपिटल में दिख रहा है आपको, ठीक है, बड़े साइज का, ये इससे आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका साइज इंक्रीज होगा फॉन्ट का, और आप इससे फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ आप इसके स्टाइल्स चेंज कर सकते हो, कुछ इसके थीम होते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और इसे चेंज कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया कि आप अगर माउस से सेलेक्ट करोगे तो आपको एक मिनी टूल बार मिल जाएगा। अगर आप बाय द वे माउस से नहीं सेलेक्ट करके कीबोर्ड से सेलेक्ट करते हो तब आपका मिनी टूल बार नहीं आएगा, तब आपको यहाँ होम टैब पे जाना पड़ेगा। इसमें आपको ये फॉन्ट दिख रहा है, फॉन्ट ग्रुप, इसमें आपको फॉन्ट ग्रुप दिख रहा है, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। इसके साथ आप अंडरलाइन भी लगा सकते हो, जैसे मैंने ये लगा दी अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ साइज डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो। ओके, बोल्ड कर सकते हो या इटैलिक कर सकते हो। तो ये सब आपके फॉर्मेटिंग के अंडर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आता है, फॉर्मेटिंग के अंडर आता है। अब आगे क्या पढ़ते हैं, देखो आगे हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट क्या होते हैं इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले अलाइनमेंट क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट होते हैं उनकी पोजिशनिंग को के लिए हम इसे यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट ऑप्शन इन MS PowerPoint। दो टाइप के अलाइनमेंट इसमें प्रोवाइड करे गए हैं MS PowerPoint के थ्रू। तो सबसे पहले क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट। क्या है, वर्टिकल अलाइनमेंट है। इसमें क्या करते हैं, हम अलाइंस द टेक्स्ट इन द रिलेशन टू द टॉप और बॉटम मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। ये आपका क्या करता है, टॉप और बॉटम में मेजर करता है टेक्स्ट को। फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइन। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी आप सेलेक्ट करोगे ना टेक्स्ट को उसको अलाइन करेगा वर्टिकल रूप में। ठीक है, एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो हम टेक्स्ट को लेफ्ट राइट मार्जिन पे तो करेंगे बट हॉरिजॉन्टल रूप में करेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट। ओके, ये टॉप वर्टिकल क्या था, टॉप टू बॉटम था, और हॉरिजॉन्टल क्या था, लेफ्ट टू राइट था।
तो आपको समझ में गया होगी, आप देख भी लो, अब इसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। चलो प्रैक्टिकल हम करते हैं यहाँ। तो ये जैसे है, यहाँ मैंने क्लिक करा, ये आपके अलाइनमेंट है, क्या है आपके अलाइनमेंट है, तो आप इसको वर्टिकल और एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हो। ये आ गया आपका टॉप और बॉटम, आप इसे टॉप करोगे तो टॉप पे आ गया आपका, अगर आप इसे बॉटम करोगे तो बॉटम पे आ गया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, अगर आप मिडिल करोगे तो आपके ये मिडिल में आ जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट राइट की बात आई, लेफ्ट राइट यहाँ से होगा, यहाँ लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो गया, ये राइट करेंगे तो राइट हो गया ना, ये अब लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो गया। ठीक है, मिडिल में करेंगे तो मिडिल में हो जाएगा। तो ये आपके कुछ अलाइनमेंट होते हैं जो अभी आपने समझे। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अलाइनमेंट आपके चार तरीके से होते हैं इसमें, एक तो आपको दो तरीके बता रखे थे मैंने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, एक इसके चार इसके फंक्शंस होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं? अलाइन टेस्ट लेफ्ट, क्या होता है लेफ्ट में जो अभी मैंने दिखाया था आपको, लेफ्ट एक होता है, सेंटर एक होता है, राइट एक होता है, जस्टिफाई। जस्टिफाई में वो खुद ही आपका जस्टिफाई कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आपका आपका अब ग्राफिक्स है कि ग्राफिक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। एक तो आप क्लिप आर्ट के थ्रू इसमें ऐड कर सकते हो कोई भी ग्राफिक्स। ठीक है, कैसे करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे आप, इंसर्ट पे आके आपको क्लिप आर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। क्लिप आर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इधर। ठीक है, ये खुल गया आपका। आप यहाँ जैसे एनिमल लिखा आपने, एनिमल करके यहाँ पे गोल कर दोगे, यहाँ पे आपके कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी, पिक्चर्स पे आप एक क्लिक करना, खाली सिंगल क्लिक करना है तो आपका ये ग्राफिक इधर आ गया है, तो पिक्चर आपके हो गया है। ठीक है, आपके पास आ गया है। आप किसी भी स्लाइड में ये ऐड कर सकते हो। ठीक है, किसी भी स्लाइड में, यानी कि एक ही स्लाइड में करना है, किसी भी स्लाइड में आप इसे ऐड कर सकते हो। फर्स्टली यू हैव सेलेक्ट स्लाइड। ठीक है, आपको स्लाइड वो सिलेक्ट करनी है जहाँ आपको पिक्चर लगानी है। तो जैसे ये करा मैंने सेलेक्ट, तो ये पिक्चर टाइगर की पिक्चर यहाँ आ गई है। ठीक है, इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे होगे आप, मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ, पहले ये छोटा सा था, अब ये बड़ा कर दिया है मैंने। ठीक है, ये कर दिया बड़ा। ओके, तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा इंसर्टिंग पिक्चर फ्रॉम फाइल, कि हम फाइल के थ्रू करेंगे, अब हम इसके थ्रू नहीं करेंगे, क्लिप आर्ट के थ्रू। तो यहाँ पिक्चर लिखा हुआ है, देखो क्लिप आर्ट के जस्ट नियर बाय आपको पिक्चर का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करो। ठीक है, फिर ये आपसे पूछता है लोकेशन, कि आपको कौन सी फ़ोटो इसमें लगानी है। तो हमारे पास जहाँ फ़ोटो होंगी वहाँ आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट फोटोज हैं, तो हम कुछ ये फोटो जैसे मैंने सेलेक्ट करी, ये इंसर्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप पिक्चर को इंसर्ट करोगे तो आपकी वो पिक्चर करंट स्लाइड में आ जाएगी, जो स्लाइड आपकी सेलेक्ट होगी ना उसमें आपकी वो स्लाइड आ जाएगी, और आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब आप कैसे कर सकते हो इसे, अब आपको नहीं आ रहा होगा समझो थोड़ा। तो आपको क्या करना है, जैसे ये आप पिक्चर जो भी पिक्चर लाए हो, जैसे ये हम रैबिट लाए, तो रैबिट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये आपको कुछ ऑप्शन यहाँ ब्लॉक दिख रहे हैं, देखो ये राउंड में है, ये आपका ट्रायंगल में है, ठीक है रेक्टेंगल में है, तो रेक्टेंगल और राउंड में आपको दिखा होगा, तो रेक्टेंगल से क्या होगा, आप इसे इंक्रीज कर सकते। कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो, वर्टिकल ठीक है और हॉरिजॉन्टल, दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स। ठीक है, और आपको इसको अगर स्मॉल करना है तो आप ये जो आपका सर्किल वाला ऑप्शन है ना, इस पर आप राइट क्लिक करके रखेंगे, आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये देखो, समझ गए यहाँ तक बात। ठीक है, पिक्चर भी हमने बता दी कि कैसे हम पिक्चर करते हैं, और रोटेट कैसे करते हैं ये भी बात पता होनी चाहिए आपको, रोटेट कैसे करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, जब आप डबल क्लिक कर देते हैं ना तो आपका फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। अब देखो एक चीज़, यहाँ हमने सेलेक्ट करा, यहाँ पे फॉर्मेट के उस पर नहीं है ना, अभी नहीं है, जैसे हम पिक्चर पे करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा,
तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट का, क्या मिलेगा, रोटेट का ऑप्शन मिलता है, इसको आप क्लिक करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो इसे। जैसे फ्लिप वर्टिकल आए तो वर्टिकल देखो उल्टा हो गया है, हॉरिजॉन्टल करोगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया है, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट 90 डिग्री, लेफ्ट राइट 90 डिग्री, तो ये अकॉर्डिंग उसके हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अब ये चैप्टर आपका क्लोज होता है स्टूडेंट्स, और हमने आज आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, ठीक है। और आप रोटेट करना कैसे सीख सकते हो, आप इसको क्लिक करो, क्लिक करके आपने कहाँ जाना है, रोटेट पे जाना है, ठीक है। क्लिक करके आपका फॉर्मेट का ऑप्शन आपका खुल जाएगा, ठीक है, टैब खुल जाएगा, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस मिलेंगे, बट आप यहाँ से रोटेट आराम से कर सकते हो। और अगर आपको और रोटेट के ऑप्शन चाहिए तो यहाँ मोर रोटेट ऑप्शंस आ जाते हैं, तो यहाँ आप उसको मेजर कर सकते हो जो मेजरमेंट आपको देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।